हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये इतिहास का सेशन चल रहा था और हम इतिहास में पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास, यानी कि प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे थे। और आज प्राचीन इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है ना। यानी इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, बहुत सारे लोग नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख चुके हैं यहाँ पे क्या, हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है ना। और हम आज इसको हड़प्पा की सभ्यता क्या करेंगे, बहुत ही विस्तृत से पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आपके एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या करेंगे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक जान लीजिए, जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो हमारे भारत की सबसे प्राचीन और सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और ये आज से कितना वर्ष पहले थी, ठीक है ना, आज से कितने समय पहले थी, तो ये जो है अलग अलग बुक में क्या होता है, अलग अलग इसका तिथि दिया गया है। लेकिन मैं एनसीईआरटी बेस से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक क्या थी इस नगरीय सभ्यता का क्या था, चलन रहा था, ठीक है ना। चूंकि क्या थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता इस क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो विकसित जो सभ्यताएं थी, यहाँ पे जो सड़कें थी, यहाँ पे जो घर थे, यहाँ पे जो नालियां थी, वो उनकी तुलना अगर की जाती है तो क्या होता है कि आज के समय से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, शुरू से इसका आखिर इसका खोज कहाँ से हुआ, इसका खोज का जो प्रकृति है, यानी खोज का चलन कहाँ से शुरू हुआ, हम वहां से जानते हैं, ठीक है ना। चूंकि क्या था कि जब पंजाब में क्या हो रहा था कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है ना, तो वहां पे इंजीनियर जो थे, वहां के रेलवे लाइन बिछाने वाले जो इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें एक खंडहर मिला, ठीक है ना, पंजाब प्रांत में एक खंडहर मिला। और उस खंडहर से क्या होता है, उनको ईंट चाहिए थी। और उस समय उन्होंने क्या किया, उस ईंटों का यूज जो है उन्होंने क्या किया कि अपने रेल लाइन बिछाने में उसका यूज कर दिया, ठीक है। बाकी उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं था कि उसमें आखिर हो क्या रहा है, आखिर वो खंडहर क्या है, आखिर वो कैसा है, ठीक है ना। उन्होंने उनका काम हो गया, वो चले गए, ठीक है। लेकिन 1921 में, ठीक है ना, 1921 में आते हैं कौन, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना। यहाँ पे मुख्यतः इनका नाम आपको याद रखना, ठीक है ना, कौन, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना, दयाराम साहनी। चलिए, राय बहादुर दयाराम साहनी आते हैं और उस खंडहर को क्या करते हैं, वहां पे खोद करते हैं। और खोदने के बाद जब उस पूरे खंडहर को खोदा जाता है तो उसके नीचे से बहुत बड़ा शहर निकलता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा शहर निकलता है। और इस सभ्यता का सबसे पहला शहर अगर खोजा गया, ठीक है ना, सबसे पहला शहर खोजा गया, वो खोजा गया हड़प्पा। कब खोजा गया, तो 1921 में हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा शहर खोजा गया 1921 में, किसके द्वारा, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, ठीक है ना। तो यानी कि देखा गया कि जब उसकी खुदाई हुई तो उसके नीचे एक बहुत बड़ा शहर था, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा शहर था। और उस शहर में क्या हुआ था कि वहां पे देखे गए कि उसकी जो सड़कें थी, उसकी जो नालियां थी, उनके जो घर थे वो काफी विकसित थे, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले जो आपका, देखिए, इस सभ्यता का हम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो शहर खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था, इसी वजह से क्या है कि इस पूरे सभ्यता का नाम हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और आप एक बात याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज किस नदी किनारे हुई, इसे नदी घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि यहाँ जितने शहर खोजे गए ये सिंधु नदी या फिर उसके सहायक नदियों के आसपास ही क्या है, ये बसे हुए थे, ठीक है ना। ये सारी जो सभ्यताएं थी ये इस समय के आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से तीन देश में ही क्या थी, ये सारी सभ्यताएं फैली हुई थी, ठीक है ना। और इस सभ्यताओं में कम से कम 1500 से ऊपर जो है इसमें शहरों का खोज किया गया है। लेकिन हमें सिर्फ मुख्य शहरों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप हड़प्पा के बारे में जान चुके हैं, जब क्या हुआ, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में क्या की, जब यहाँ पे खुदाई की पंजाब प्रांत में, तो हड़प्पा जो था, हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा शहर ये रावी नदी किनारे बसा है। कहाँ पे बसा है, किस नदी किनारे, तो रावी नदी किनारे। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि हड़प्पा जो है किस नदी किनारे बसा है। बहुत सारे लोग सिंधु नदी मार देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका, रावी नदी होगा, ठीक है ना। यानी कि रावी नदी किनारे का क्या बसा है, हड़प्पा बसा हुआ है, ठीक है।
अब देखिए क्या है कि हम इसे नगरी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि आज से 4000 साल, 4 से 5000 साल पहले, क्योंकि जब पुरातत्वविदों ने जब इसकी खोज की तो उन्होंने बताया कि आज से 4-5 हजार साल पहले यहाँ पे शहर रहा होगा। और जब हमने क्या किया, जब बहुत सारे शहरों की खोज की वहां पे, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या हुआ कि उस सभ्यता के बहुत सारे शहर खोजे गए, उनमें से मैं कुछ शहरों के नाम मैं आपको बताता हूँ। हड़प्पा के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई दूसरा शहर जाना जाता है वो जाना जाता है मोहनजोदड़ो। कौन सा जाना जाता है दूसरा, ये पहला है आपका, दूसरा आपका जाना जाता है कौन सा, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। देखिए जो मोहनजोदड़ो थे, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो जो शहर था ये सिंधु घाटी के क्या बसा था, सिंधु घाटी नदी के पास बसा था, ठीक है ना, यानी कि सिंधु नदी के पास बसा था। और इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे कौन, राखल दास बनर्जी। कौन थे, राखल दास बनर्जी, ठीक है ना, राखल दास बनर्जी, आप इसका हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, बनर्जी थे। अब जरा बताइए, राखल दास बनर्जी ने 1922 में, यानी इस हड़प्पा के एक साल बाद क्या हुआ कि इस मोहनजोदड़ो शहर का खोज हुआ, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो शहर का खोज हुआ। और मोहनजोदड़ो किसके किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे, किसके किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि धीरे 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 क्या हुए, शहरों की खोज होने लगी। तो कुछ प्रमुख शहरों का नाम मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे मोहनजोदड़ो पता हो गया, और एक था आपका सबसे महत्वपूर्ण लोथल, ठीक है ना, लोथल था आपका जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पे चहुंदड़ो दिया है, ठीक है ना, चहुंदड़ो है आपका, ठीक है, काली बंगन है आपका, और है आपका राखीगढ़ी है आपका, ठीक है ना, राखीगढ़ी, ठीक है ना, राखीगढ़ी है आपका। अब देखिए राखीगढ़ी, और यहाँ पे आपका रोपड़ है, ठीक है, और आपका रंगपुर है, ठीक है, रंगपुर है। बहुत सारे ऐसे ही क्या थे आपके शहर खोजे गए, ठीक है ना, बहुत सारे शहरों का क्या हुआ इसमें खोज हुआ, जिनमें से लोथल है, चहुंदड़ो है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है, रंगपुर है। इसमें से मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है ना, किसके किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, और चहुंदड़ो और यहाँ पे रंगपुर जो है वो कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना, यानी कि सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से है, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, और यहाँ पे आपको रंगपुर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक जो शहर है उत्तर प्रदेश का, बहुत ही बार आपसे क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है, आलमगीरपुर, ठीक है ना, कौन सा है, आलमगीरपुर, ठीक है ना, यहाँ पे एक और शहर याद रखेगा, आलमगीरपुर, ठीक है ना, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में कौन सी हड़प्पा सभ्यता में है, ठीक है ना, कौन सा शहर है, तो आपको बताना है आलमगीरपुर, ठीक है ना। ये तो हमने अभी क्या जाना कि हड़प्पा के कुछ जो शहर थे जिनकी खोज की गई थी उसके बारे में हमने जाना था, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब हम आगे चलेंगे और यहाँ पे हड़प्पा के आखिर ये सभ्यता इतनी विस्तृत जो थी, आखिर इस सभ्यता का जैसे कि महत्व क्या था, आखिर ये सभ्यता कैसी थी, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो आज से 4-5 हजार साल पहले यहाँ पे जो शहर थे, ठीक है ना, उन शहरों में हुआ क्या करता था कि जो सड़कें थी वो पक्की सड़कें थी, ठीक है ना, पक्की सड़कें होने के साथ साथ क्या थी, वो जो सड़कें थी प्रत्येक मोड़ पे वो 90 डिग्री पे सड़कें क्या हुई थी, मिली हुई थी, ठीक है ना। और सड़कें जो 90 डिग्री पे मुड़ी होने के कारण क्या था, अब देखिए यहाँ पे इसके बीच में क्या होती थी, नालियां हुआ करती थी, ठीक है ना, ये जो कस्बे हुआ करते थे इन कस्बों के बीच में क्या होती थी, सड़कों के बीच में नालियां बनाई जाती थी। और उस नालियों में क्या होता था, जगह जगह पे ब्लैक होल से ऐसे पॉइंट्स बनाए जाते थे जहां से नालियों की सफाई की जा सके, ठीक है ना। तो आज अब आप सोचिए, आज से 4-4.5 हजार साल पहले अगर हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता है जो कि हम आज के समय में देखते हैं, ऐसी इस प्रकार की नालियां बनाई जाती हैं, ठीक है। अब जरा एक बात देखिए, जो शहरों का जो मुख्य सड़कें हुआ करती थी वो बिल्कुल सीधी होती थी, ठीक है ना, मुख्य जो सड़कें थी शहरों की वो बिल्कुल क्या होती थी, सीधी होती थी। और क्या होता था कि सड़कों के किनारे क्या होती थी, नालियां होती थी, ठीक है ना, सड़कों के किनारे क्या होती थी, नाली होती थी। यानी जैसे मान ली ये क्या है आपकी सड़क है और ये क्या है आपकी नाली है, ठीक है ना, क्या है, नाली है, ठीक है। और इस नाले में क्या होता था कि सारे शहरों का जो था ना, सारे शहरों का जो नालियां थी इसी नाली में आके क्या होती थी, आके मिलती थी। बात समझ में आ रही है। अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो लोथल शहर था, लोथल शहर के अलावा सारे शहर,
ठीक है ना, सारे शहरों के जो घर होते थे वो क्या होते थे, घर के दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी मुख्य सड़क के पीछे खुलती थी, ठीक है ना, किसके खुलती थी, तो इसे मान लीजिए आपकी मुख्य सड़क है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी मुख्य सड़क है, ठीक है ना, तो मुख्य सड़क के पीछे क्या होते थे, जैसे मान लीजिए घर है तो घरों के जो दरवाजे थे और या खिड़कियां थी मुख्य शहर के पीछे खुलती थी। सिर्फ लोथल ही एक ऐसा शहर पाया गया जिसमें क्या होता था कि जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो सिर्फ मुख्य सड़क पे ही खुलती थी, ठीक है ना, बाकी लोथल के अलावा और भी जो सारी शहर थे वहां पे जो दरवाजे खिड़कियां होती थी वो हमेशा क्या होता था पीछे की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क के पीछे की तरफ, ठीक है। तो देखिये क्या है, जब हड़प्पा की खोज की गई, जब खोदा गया तो इसमें से बहुत सारे ऐसे घर प्राप्त हुए जिनमें क्या था, उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां बनाई गई थी, ठीक है ना, नीचे सीढ़ियां बनाई गई थी और उन सीढ़ियां जो थी आज की तुलना में वो सीढ़ियां क्या थी, काफी मिलती जुलती थी, ठीक है ना, जिस टाइप की सीढ़ी हम आज बनाते हैं उस समय पे भी क्या थे, इस टाइप की सीढ़ी बना करते थे, ठीक है ना। और जब आप देखेंगे कि जब आप मोहनजोदड़ो जाएंगे, ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो में क्या था कि स्नानागार था, जिसे आज हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो में मिला आपका स्नानागार, ठीक है। ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अच्छा बताइए स्नानागार कहाँ मिला, अन्नागार कहाँ मिला, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप देखते हैं, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो क्या कहता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो अपने मरे हुए को क्या कहते थे, दफनाने में विश्वास रखते थे, लेकिन यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो थे, मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे ये लोग मृतकों को जलाने में क्या करते थे, विश्वास रखते थे, ठीक है ना। यहाँ की जो रीति थी वो मृतकों को जलाने की थी और हड़प्पा की जो रीति थी वो क्या थी, मृतकों को दफनाने की थी। इन दोनों चीज को आप क्या करिएगा, नोट करके चलिएगा पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए हम देख लेते हैं जरा कि मोहनजोदड़ो से खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या मुख्य जो चीजें थी वो प्राप्त हुई है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे मुख्य चीज पाई जाती है वो है स्नानागार, ठीक ना, स्नानागार। अब जरा देखिए स्नानागार क्या होता है, जिसे आप स्विमिंग पूल कहते हैं, ये जो स्नानागार था वहां पे ये कुछ ऐसे बनाया गया था जैसे कि बीच में क्या था, स्नानागार है और उसके चारों तरफ क्या है, मतलब कि कमरे बनाए गए थे, ठीक है ना, और उस स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ी हुआ करती थी जिससे कि उसमें उतर करके आदमी नहा सकता था, ठीक है ना। अब देखिए क्या था, उस स्नानागार के फर्श के नीचे यानी कि तली पे क्या था, रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का परत चढ़ाया गया था, क्या था, चारकोल का परत चढ़ाया गया था जिससे कि रिसाव को रोका जा सके, ठीक है ना। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की जो वो सभ्यता थी कितना विकसित सभ्यता थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्नानागार मिलने के साथ साथ यहाँ पे अन्नागार भी मिला, ठीक है ना, अन्नगार भी यहाँ पे मिला। अन्नगार का मतलब ये होता है, और अन्नगार जो मिला ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इस चीज को आप याद रखें, जो अन्नगार थी वो क्या थी, सबसे बड़ी इमारत थी, क्या थी, सबसे बड़ी, ठीक है ना, इमारत, ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, अन्नगार था, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे स्नानागार मिला, अन्नगार मिला, ठीक है। अब चलते हैं हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें मिली। यहाँ पे तीन मुख वाली पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना, जिसके क्या होता है कि अगल बगल जो है हाथी शेर बाघ वगैरह क्या थे वहां पे बने हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं तीसरी जो क्या मिली थी, तीन मुख वाले पशुपति, ठीक है ना, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है ना, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। और क्या मिलता है, पशुपतिनाथ मूर्ति के मिलने के साथ साथ वहां पे नृत्य करती एक महिला के कांस्य की मूर्ति मिलती है, ठीक है ना, नृत्य करती हुई, नृत्य, ठीक है ना, आप इसको भी लिख लीजिएगा, नृत्य करती महिला कांस्य की महिला, ठीक है ना, या फिर कहते हैं महिला की मूर्ति, ठीक है ना, महिला की कांस्य मूर्ति, ठीक है ना, कांस्य मूर्ति। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, यानी कि ये भी हमें मिल गया, नृत्य करती कांस्य की, नृत्य करती महिला की कांस्य मूर्ति, ठीक है ना। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए, आपके एग्जाम में ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो पूछ लिया जाएगा कि नृत्य करती महिला की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपको सीधे बताना है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से क्या हुई कि नृत्य करती इस महिला की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारी चीजें क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी, लेकिन मुख्यतः आप इन चीजों को आप हमेशा
हमेशा याद रखिएगा, जिसमें कि क्या है स्नानागार, अन्नागार और पशुपतिनाथ की मूर्ति क्या है वहां से मिली थी, और नृत्य करती महिला की कांस्य मूर्ति मिली थी, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए, ठीक है ना, शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है ना, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा के लोग, ठीक है ना, हड़प्पा या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इस सभ्यता के लोग, ठीक है ना, इस सभ्यता के लोग, ठीक है ना, शहद का प्रयोग करते थे, किसमें, मिठास के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, गेहूं भी पाया गया है, जौ के भी दाने पाए गए हैं, जिससे कि हमें अनुमान लगता है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ ये लोग खेती, चुके मैंने आपको पहले इतिहास के जो मैंने आपको बताया था पृथ्वी मानव, मैंने आपको वहां पे एक चीज बताई थी कांसे की, जो मैंने अभी कांसे के यहाँ पे लिखा है ना, ये कांसा ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कांसे की जो धातु काल में ही इसका खोज हो चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांसे की मूर्ति मिलना बहुत बड़ी बात नहीं थी, खेती का भी खोज आपको मैंने बताया था नवपाषाण काल में हो चुकी थी, यानी कि ये लोग भी क्या थे, खेती करते थे, ठीक है ना। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि इनके सारे मतलब क्रियाकलापों के बारे में, ठीक है ना। चलिए, ये था हमारे मोहन जोदड़ो के हिसाब से, ठीक है। आप देखिए क्या है, लोथल जो है यहाँ पे क्या था, लोथल जो था भोगवा नदी किनारे बसा हुआ था, ठीक है ना, और लोथल जो था यहाँ इनका एक मुख्य बंदरगाह था, ठीक है ना। लोथल क्या था, यहाँ पे मुख्य बंदरगाह था लोथल, ठीक है ना, लोथल और सुतकोदता भी यहाँ पे मुख्य बंदरगाह था, लेकिन इन दोनों में क्या था ना, ये लोथल जो है सबसे चर्चित था। क्या था कि हड़प्पा के लोग अपने सामान को, क्या था कि हड़प्पा जो था वो एक व्यापारिक नगर था, क्योंकि किसी भी नगर, कोई भी नगर जब होता है, अगर विकसित होता है, उसके पीछे क्या होता है, व्यापार का आदान प्रदान जरूर होता है, ठीक है ना। और व्यापार का उनका क्या था, अपना एक आदान प्रदान था, वो क्या करते थे, दूसरे देशों के साथ अपना व्यापार करते थे, और इसका जो साक्ष्य हमें मिला है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हमें इसकी साक्ष्य मिली है, उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, लोथल जो था, लोथल एक बंदरगाह था, जहां से क्या होता था कि नाव के द्वारा क्या होता था, अपने ये लोग व्यापार को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे, ठीक है ना। अब लोथल में क्या था, लोथल और कालीबंगन, ठीक है ना, लोथल और कालीबंगन में क्या हुआ, अग्निकुंड मिला। आपसे बहुत ज्यादा बार पूछता है अग्निकुंड कहाँ मिला, ठीक है ना। अगर आपसे कहीं पूछ दे कि अग्निकुंड कहाँ मिला, तो आप बोलेंगे लोथल व कालीबंगन, ठीक है ना, बंगन, लोथल और कालीबंगन में आपको क्या मिला, तो यहाँ पे मिलता है अग्निकुंड, ठीक है ना, क्या मिलता है, अग्निकुंड मिलता है, ठीक है ना, अग्निकुंड मिलता है कहाँ पे, लोथल और कालीबंगन में। बात समझ में आई। और एक बात और जानिए, हड़प्पा सभ्यता से महिला वेश्यावृत्ति का जो प्रचलन था वो कहाँ से था, हड़प्पा सभ्यता से ही था, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, ये जो लिपि थी, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं ना, कि हम, हमारी जो लिपि है वो बाएं से दाहिने तरफ है, ठीक है ना। हमारी जो लिपि है यानी जो हम लिखते हैं, वो लिखते कहाँ से है, तो अपने दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, बाएं से दाएं तरफ हम लिखते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते थे, ठीक है ना। यानी जो इनकी लिपि थी वो दाएं से क्या थी, बाएं की तरफ थी, कहां से थी, दाएं से बाएं की तरफ थी, लेकिन अगर इनको कई पैराग्राफ में अगर लिखना होता है, कई पंक्तियों में अगर लिखना होता था इनको, ठीक है ना, तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद जब दूसरा पैराग्राफ लिखते थे, तब ये क्या करते थे, ये फिर क्या बाएं से दाहिनी तरफ लिखना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है ना। यानी इनकी जो लिपि थी वो कह सकते हैं कि दाएं से बाएं साइड की तरफ थी, ठीक है ना। और हमारी लिपि क्या है, हमारी लिपि है बाएं से दाएं साइड की तरफ, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको मैंने इमारतों के बारे में बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो वास्तुकला था काफी अच्छा था, और हर इमारतें जो थी उस समय क्या थी, ईंटों की बनी हुई थी, पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी। इससे हमें प्राप्त होता है, इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि उस समय जो था भट्टियों की खोज हो चुकी थी, जिसमें की ईंटें क्या होते थे, पकाए जाते थे, और उस ईंटों के क्या होता था कि हमें घरों का क्या होता था, निर्माण कर किया जाता था, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, चूंकि हड़प्पा जो था एक शांति प्रिय नगर था, ऐसा क्यों कहा गया शांति प्रिय नगर था, क्योंकि वहां पे खास कोई हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा नहीं मिला था, कि वहां पे बहुत बड़े हथियार नहीं मिले थे। इसकी वजह से क्या होता, पुरातत्वविद जो है अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे जो था ये हड़प्पा शांति प्रिय देश था, इस वजह से क्या है कि वहां पे बहुत सारे हथियार नहीं मिले, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा इनके व्यापार के बारे में जान लेते हैं।
तो इनके जो व्यापार के बारे में अगर हमें जो जानकारी मिलती है या कि व्यापार की हमारी जानकारी कैसे मिले, ठीक है ना, तो ये चूंकि क्या करते थे, ये मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाया करते थे, ठीक है ना, क्योंकि वहां से बहुत सारे छोटे बड़े खिलौने क्या हुए थे, वहां से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। तो वहां से जो हमें खिलौने प्राप्त हुए उनमें क्या था, वो खिलौनों का या फिर किसी चीज का अगर वो व्यापार करते थे तो क्या होता था, व्यापार की जानकारी हमें मिली कैसे, क्योंकि इनकी एक बनाई हुई मोहरे थी, ठीक है ना, और उन मोहर पे क्या होता था, एक सिंह वाले जानवर का क्या होता था, उस पर चित्र होता था। ये चीज हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है, एक सिंह वाले जानवर, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में एक सिंह वाले जानवर क्या थे, उनके मोहरों पे मुद्रित थे, ठीक है ना। वो जो मोहर थे, जब वो क्या करते थे, अपने सामान को किसी दूसरे जगह पे क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वहां पे भेजते थे, तो उसमें क्या होता था, मिट्टी का जो था, मिट्टी गीली क्या थी, उस पे सटा करके उस पे अपने मोहर को क्या करते थे, चिपका देते थे, यानी अपने मोहर लगा देते थे, जिससे कि जहां भी उनका सामान जाए पहचाना जाए कि हाँ इनका ये सामान है, इस जगह का ये सामान है, ठीक है ना। और इसका जो था मेसोपोटामिया से, इसका हमें एक मोहर का साक्ष्य भी वहां से प्राप्त हुआ है, जिससे कि हमें ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का किसी और जगह से क्या था, कारोबार था, ठीक है ना। उन्होंने अपने सोने के कारोबार के लिए कर्नाटक से या फिर इस्पात वगैरह के लिए ईरान वगैरह से क्या किया, अपना व्यापार उन्होंने जारी रखा। और इस व्यापार से उनको फायदा क्या हुआ कि व्यापार से विचारों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है ना। इनके व्यापार से क्या हुआ कि विचारों का आदान प्रदान हुआ। और आपको एक बड़ी बात एक और जाननी होगी, विनिमय पद्धति, ठीक है ना। यहाँ पे जो था, वो लोग जब व्यापार करते थे तो उसमें पैसे वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उस समय क्या करते थे, ये लोग जो विनिमय करते थे, जो लेन देन करते थे, वो एक सामान के बदले दूसरे सामान का क्या करते थे, लेन देन किया करते थे अपने व्यापार के तहत, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं विनिमय पद्धति, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इनकी लिखावट के बारे में हम तो जान चुके हैं, इनके व्यापार के बारे में हम जान ही चुके हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और जान लेते हैं, देखिए हड़प्पा और मोहन जोदड़ो को, ठीक है ना, जुड़वा राजधानी, ठीक है ना, एक देश की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगट ने, ठीक है ना, ये पिगट एक थे, ठीक है ना। इन्होंने कहा था हड़प्पा और मोहन जोदड़ो को एक साम्राज्य की जो है क्या था, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, इस चीज को आप याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी सारे घर वगैरह बनाए गए थे, ठीक है ना, जितने सारे घर आपको बनाए मिलेंगे घरों का या फिर इनके वास्तुकला थी, सारे ग्रिड पद्धति पे क्या थे, ग्रिड पद्धति पे थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये सारे क्या थे, ग्रिड पद्धति पे थे, ठीक है ना, पद्धति पे निर्धारित थे सारे यहाँ पे घरों का आकार वगैरह सारी चीजें, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या चीजें मिली, तो देखिए क्या हुआ, चूंकि जो हड़प्पा था एक विशिष्ट राज था, मतलब विशिष्ट नगर तो था, नगरी सभ्यता तो थी, लेकिन आप एक बात और जानिए, ये भारत की पहली नगरी सभ्यता थी, ठीक है ना, सबसे प्राचीन नगरी सभ्यता थी और ये पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे इतिहासकार इस सभ्यता का पतन का कारण जो है अलग अलग तरीके से देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कहते हैं कि आर्यों के आने से वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इनकी सभ्यता का नाश हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाढ़ आया, ठीक है ना, बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, ये सारा शहर जो था वो नीचे मलबे की तरह दब गया। बहुत सारे कहते हैं कि यहाँ पे जो है ज्वालामुखी या भूकंप वगैरह, ऐसे कुछ तरीके से बहुत सारे किताबों में आपको अलग अलग चीजें मिलती है। लेकिन क्या है, इसमें दो चीजें जो है ना, इस आप तो अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। एक चीज है क्या, इनकी लिखावट अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी क्या थी, इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, ठीक है ना। और इन्हें क्या है, एक चीज और जानिएगा आप, कि इन्हें कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, कांस्य युगीन सभ्यता। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, किस नाम से, तो कांस्य युगीन, ठीक है ना, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी क्या होता था, इस सभ्यता को जाना जाता था। कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है, यानी कि तो आपको बोलना है सीधे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरी सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं क्या है, ये सारी क्या होंगी आपकी, हड़प्पा सभ्यता में ही आएंगी, ठीक है। तो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि दो चीजें जो थी वो अनुमानता अभी नहीं लगाया जा सका है, पहला उनकी लिखावट, ठीक है ना, उनकी लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और दूसरा ये कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ठीक है ना, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये अभी तक कोई इसकी पुष्टि नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि क्या है कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।